राखी स्पेशल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये राखी से पहले वाला दिन है और यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा चना बच्चों के लिए, वो इसलिए क्योंकि आज मैंने बनाई है तोरई की सब्जी, जिसे खाने में बच्चे नाक मुँह मारेंगे तो फिर हलवा चना बड़े प्यार से खा लेते हैं, उसमें रोटी भी वो खा लेते हैं। अब यहाँ हो रही हूँ मैं तैयार। आज करनी है बहुत सारी शॉपिंग, लेकिन अभी दोपहर का टाइम है और काफ़ी है ना धूप भी हो रही है, तो मैंने सोचा है कि फिर है ना शाम को ही मैं निकलूँगी। फिर मैं आ गई थोड़ा बालकनी में, यहाँ देखने की क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ हमारे पक्षी कर रहे हैं मस्ती, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, तो बस यहाँ थोड़ी देर अपना मैंने अपना टाइम पास किया। और पता है आज पूरी दोपहर कौआ काँव काँव करता रहा हम बहुत ही देर तक। मैंने कहा भैया अब कौन आने वाला है, ये तो चलो वक्त बताएगा। फ़िलहाल अब हो गई है शाम और मैं निकल गई हूँ शॉपिंग के लिए। तो हमारे घर के पास में ही एक अच्छा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पर मैं आई हूँ, जहाँ पर मिल रही थी खूब सारी राखियाँ और गिफ्ट आइटम। तो भाई यही सारी शॉपिंग फिर मेरे को करनी थी। बस फिर यहाँ से थोड़ी बहुत ख़रीदारी करके इसके बाद मिठाई वगैरह लेते हुए फिर मैं आ गई घर। अब यहाँ तैयारी हो रही है रात के खाने की। थोड़ा बहुत जो खाना है सुबह का, वही हलवा चना, थोड़ी तोरई की सब्जी, थोड़ा थोड़ा सब बचा था, तो फिर मैंने सोचा थोड़े से बस आलू फ्राई कर लेती हूँ। तो थोड़ी ये आलू की सब्जी मैंने बना ली और फिर सेक ली थी रोटियाँ। अब हो जाती है ये रात। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे लेकिन ये था कि थोड़ी मेहंदी तो मुझे लगानी ही थी, तो फिर बस मैंने एक तो सिंपल सा ही डिज़ाइन अपने बाबू से बनवा लिया। ये देखिए कितनी बढ़िया मेहंदी रची है। सुबह का टाइम है, राखी वाला दिन आ चुका है। यहाँ बन रही है भानु के लिए चाय और मैं बनाऊंगी आज भिंडी की सब्जी और एक पनीर की सब्जी और मीठी सेवइयाँ। तो दोनों की एक अलग सी ना रेसिपी मैंने ट्राई करी थी, ठीक ठीक थी, मुझे उतनी खास तो नहीं लगी, लेकिन हाँ कोई भी रेसिपी ट्राई करने से ही पता चलता है कि वो कैसी बनी है। लेकिन हाँ दिखने में दोनों ज़बरदस्त लग रही थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ ये मीठी सेवइयाँ। और इस बार राखी का जो मुहूर्त है वो 1:30 बजे से है, लेकिन त्यौहार का दिन कैसे शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ हमने बांध दी है अपने गोपाल जी को राखी। बस इसके बाद फिर मैंने खिला दिया सब लोगों को खाना। तो चलिए हम सजा लेते हैं इसकी प्लेट। अब हो गया है अपने भैया के घर जाने का टाइम और मैंने निकाल लिया है ये वाला सूट और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। तो फिर चलिए चलते हैं भैया के घर। तो इस तरह अपने सारे भैयाओं को, अपनी भाभियों को, अपने भतीजों को, सबको मैंने राखी बांधी, मिठाई खिलाई और फिर मैंने किया भोजन ग्रहण। तो ऐसा रहा मेरा राखी का दिन। आशा करती हूँ आप लोगों की राखी भी बहुत बढ़िया बनी होगी। तो चलिए इन्हीं कुछ चुनिंदा तस्वीरों के साथ इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।